तक हो गया था ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ बचा हुआ था छोटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बचा हुआ है देखिए नेक्स्ट है टॉपिक है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड, एक टर्म के यूज किया जाता है इन विट्रो और दूसरा है इन वाइवो। इन वाइवो दैट मीन्स इन साइड और इन विट्रो दैट मीन्स आउटसाइड द बॉडी। अगर फर्टिलाइजेशन को बाहर बॉडी के बाहर प्रोसीड किया जा रहा है लैब में तो उसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली हम पढ़ रहे थे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कि जो कपल्स जो हैं वो इनफर्टाइल हैं या फिर किसी भी रीजन की वजह से उन्हें गैमेट का ट्रांसफर जो है वो नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का क्या करते हैं यूज कर लेते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसे कपल्स की चाइल्ड को क्या कर सकते हैं कैरी कर सकते हैं। तो ऐसे मेथड को हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कई सारे मेथड हैं जिनका यूज किया जाता है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को ही हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है मेल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर दोनों से क्या किया जाता है गैमेट को लिया जाता है। तो मेल पार्टनर या हस्बैंड लिखा है आइदर डोनर लिखा हुआ, फीमेल पार्टनर यानी मदर लिखा हुआ है या फादर या मदर से गैमेट जिस या फीमेल पार्टनर जो है या फिर लिखा हुआ है डोनर। दोनों के केस में कोई भी हो सकता है कि दैट इज इनकैपेबल टू प्रोड्यूस द गैमेट कि दोनों में से कोई जो है वो कैपेबल ही ना हो कि गैमेट प्रोड्यूस कर सके। तो उस केस में क्या करेंगे किसी दूसरे डोनर से हम गैमेट ले लेंगे। बाकी दो पेरेंट्स में से एक अगर प्रोड्यूस कर ले रहा है तो उसका गैमेट ले लेंगे। तो इसीलिए लिखा हुआ है हस्बैंड आर डोनर वाइफ आर डोनर लिखा हुआ है। तो दोनों के द्वारा गैमेट को लेकर के हम क्या करते हैं लैब में फ्यूज करा लेते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर और इन दोनों गैमेट के फ्यूजन से जायगोट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं जायगोट। अब इस जायगोट को हम क्या करते हैं फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं एक मेथड ये। तो इसमें कई सारे मेथड है, पहला तो एक देखिएगा एक है जीआईएफटी कहलाता है, इसको बोलते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यानी इसमें हम गैमीट्स को ले लेते हैं और गैमीट्स को हम कहां पे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। इन यूजुअली ये मेथड जो है वो ऐसे कपल्स के लिए अपनाया जाता है जिसमें फीमेल के द्वारा ओवुलेशन होता है लेकिन मेल के द्वारा प्रॉपरली इंसेमिनेशन नहीं होने पाता है। ठीक है, तो उस केस में मेल पार्टनर या हस्बैंड या फिर डोनर से सीमेन को लेकर डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में या स्पर्म को लेकर के डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो इसको हम बोलते हैं गिफ्ट, दैट इज गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो अगर मेल गैमेट को हम ट्रांसफर कर देंगे डे ऑफ ओवुलेशन के दिन जब फीमेल में ओवा रिलीज हुआ है तो दोनों के चांसेस बढ़ जाएंगे वहां पे फर्टिलाइजेशन के। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं गिफ्ट, जीआईएफटी गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। दूसरा है जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसमें क्या करते हैं मेल और फीमेल के द्वारा गैमेट को लेकर के लैब में फ्यूज करा लेते हैं।
लैब में जाइगोट बना लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। जाइगोट या एम्ब्रियो को अप टू 8 सेल स्टेज तक, 8 सेल स्टेज तक अगर है तो उसको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, और उससे ज्यादा सेल स्टेज है तो 32 या 64 है तो उसको हम डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरा एक मेथड है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इम्ब्रियो ट्रांसफर, एक्चुअली इसी का टाइप है लेकिन यहाँ पे इम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं तो इम्ब्रियो को हम यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, तो इसी को आप दूसरे मेथड में लिख सकते हैं IUT, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इम्ब्रियो ट्रांसफर और इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, क्योंकि इम्ब्रियो है तो इम्ब्रियो जो है इम्ब्रियो डायरेक्टली कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, यूट्रस में, तो इसको हम इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर बोल लेते हैं या इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इम्ब्रियो ट्रांसफर। तो इम्ब्रियो जब भी ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ, यूट्रस में करेंगे डायरेक्टली फॉर द इम्प्लांटेशन। या फिर एक मेथड अपनाया जाता है जिसमें स्पर्म और ओवा को लेकर के ओवा यानी एग सेल उसके अंदर डायरेक्टली नीडल की मदद से स्पर्म को इसी ओवा के अंदर भेज दिया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा साइटोकाइनिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोकाइनिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इंट्रा साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर सीधे स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है माइक्रोनीडल, तो ये कहलाता है ICSI। तो ये सारे मेथड हैं जो असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के तौर पर क्या किए जाते हैं, यूज में लाए जाते हैं, इनफर्टाइल कपल के लिए यूज में लाए जाते हैं ये सारे मेथड, ठीक है। अब इसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे मेल के द्वारा प्रॉपरली इंसेमिनेशन ना हो पा रहा हो, या मेल के सीमन में लेस मोटाइल स्पर्म प्रेजेंट हो, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का साइज छोटा हो, प्रॉपर वेजाइनल कैविटी के अंदर इंसेमिनेट ना होने पा रहा हो, फीमेल के अंदर ओवरी से एक रिलीज हो रहा हो लेकिन फैलोपियन ट्यूब में ना पहुंच पा रहा हो, तो कई सारे जो है चांसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से इन गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो पा रहा है। तो करेक्टिव मेजर्स के तौर पर हम ये सारे मेथड अपना सकते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IUD इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, और ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस मेथड को हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि बच्चे को टेस्ट ट्यूब में बना करके लैब में बना करके दिया जाता है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ फर्टिलाइजेशन वहां पर प्रोसीड किया जाता है एंड अप टू सर्टेन सेल स्टेज तक वहां पर प्रोसीड किया जा सकता है, बट फॉर द फर्दर डेवलपमेंट उसको क्या करना पड़ेगा, यूट्रस या फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना पड़ेगा, आइदर विद इन द सेम फीमेल फ्रॉम विच द गैमेट्स आर कैरीड और विद इन द अनदर फीमेल, आइदर विद इन द किराए की मां सरोगेट मदर। तो कई सारे लोग जो है वो सरोगेसी हायर कर लेते हैं, क्या करते हैं सरोगेसी हायर कर लेते हैं। सरोगेसी में क्या होता है, जो कपल्स हैं वो चाइल्ड को खुद बर्थ नहीं देना चाहते, जन्म नहीं देना चाहते। अब पहले ये मेथड जो है यूज किया जाता था कॉम्प्लिकेशन की वजह से कि फीमेल का यूट्रस अनसुटेबल है इम्प्लांटेशन के लिए, वहां पे इम्ब्रियो को कैरी नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये फैशन हो गया है कि लोग अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाह रहे, ठीक है। तो कई सारे फिल्म स्टार कास्ट का न्यूज में आप सुनते होंगे कि ऐसा इन्होंने सरोगेसी हायर कर लिया है, तो होता क्या है दोनों का मेल फीमेल का गैमेट लेकर के लैब में फ्यूज करा लिए, जाइगोट बना लिए, अब इस जाइगोट को उठा करके किसी दूसरी फीमेल के यूट्रस के अंदर डाल, तो फिनोटिपिकली मदर वो होगी लेकिन जीनोटिपिकली पेरेंट से ये होंगे, ठीक है। तो जीनोटिपिक पेरेंट जो है वो होंगे जिनका गैमेट से लिया गया है, वो सरोगेट मदर कहलाती है सरोगेसी, ठीक है। तो इंडिया में सरोगेसी बहुत ज्यादा हायर की जाती थी,
तो इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल बना दिया गया कई सर कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, उन्हीं के अंडर में सरोगेसी हायर की जा सकती है। अदरवाइज फॉरेन से आते थे, सरोगेसी हायर कर लेते थे और फिर ले ही नहीं जाते, पॉपुलेशन तो यहाँ की बढ़ेगी ना, जेनेटिकली वो उनका चाइल्ड है भी नहीं। तो अब सरोगेसी के लिए स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन बना दिए गए। तो देखिएगा हाँ, बस अंदर जितना आसान हम स्टेप समझ रहे हैं इतना आसान होता नहीं है, हाईली प्रिसाइज टेक्निक एंड हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए होते हैं इसके लिए, इस मेथड को अपनाने के लिए। आगे देखिएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, देखिएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दैट इज आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी, क्या है जैसे बॉडी के अंदर की कंडीशन होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, जो जो सर्कमस्टांसेस चाहिए होते हैं वैसे ही सर्कमस्टांसेस को हम क्रिएट करते हैं कहां पे, लैब के अंदर, फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो फर्टिलाइजेशन कराएंगे वैसे सिचुएशन दे करके, उसके बाद एम्ब्रियो बनाएंगे और एम्ब्रियो को क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे। इन वन ऑफ सच मेथड, इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज द टेस्ट ट्यूब बेबी, इसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। दुर्गा अपने इंडिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर मेल आर कलेक्टेड एंड आर इंट्रोड्यूस्ड टू फॉर्म द जायगोट अंडर द सिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी, कह रहे हैं जैसे बॉडी के अंदर की कंडीशन होती है वैसे ही कंडीशन हम लैब में क्रिएट करते हैं फर्टिलाइजेशन। आगे द जायगोट और अर्ली इम्ब्रियो अंडरलाइन कर लीजिएगा विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियर, मतलब 8 सेल स्टेज मारुला कहलाएगा और सिंगल यूनिट उसकी ब्लास्टोमियर कहलाती है, तो 8 ब्लास्टोमियर बोल सकते हैं, 8 सेल स्टेज या 8 ब्लास्टोमियर, पुट देम इन ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अगर जायगोट या 8 सेल स्टेज तक होगा तो उसको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, ये कहलाएगा जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ZIFT। एंड इम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू द यूट्रस, 8 से ज्यादा होगा तो यूट्रस में सीधे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। इम्ब्रियो फॉर्म बाय द इन वाइट फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल आल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, कह रहे हैं इसमें एक टेक्निक और बता रहे हैं कि जायगोट को हम ट्रांसफर कर दें, ये हम ऐसे फीमेल्स में अपनाते हैं जो फीमेल कंसीव ही नहीं कर सकती है, मतलब उसमें गैमेट प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसके केस में हम क्या करेंगे किसी ऐसी फीमेल से हम जायगोट निकाल लेंगे जो कंसीव कर सकती है, तो वो जीनोटिपिकली जो है उस बच्चे के फादर कोई और होंगे लेकिन मदर कोई और होगी, जिसको पूरी तरीके से ये जायगोट क्या किया गया ट्रांसफर कर दिया गया दे दिया गया। ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब गैमेट इंट्रा फैलोपियन ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्टेड, कह रहे हैं गिफ्ट में। अब देखिए इसमें मेथड एक ही लिखा हुआ है लेकिन इसमें हम दोनों मेथड अपना सकते हैं, स्पर्म को भी फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाया जा सकता है या फिर किसी ऐसी फीमेल से एग सेल को निकाल करके किसी दूसरी फीमेल में ट्रांसफर कर दिया जाए तो उसको हम बोलेंगे गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो गैमेट में आप दोनों ट्रांसफर कर सकते हैं आइदर मेल और फीमेल, यहां पे फीमेल के बारे में दिया है। आगे इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन
ये वाला डायरेक्टली क्या किया जाता है, इस बात को एक सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एंड एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच आई स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन टू द ओवम। इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल। अब इस तरह की टेक्निक हम उनमें अपनाते हैं जिसमें मेल की इनएबिलिटी हो कि वो प्रॉपरली वजाइना के अंदर इंसेमिनेट ना कर पाते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ पेनिस। और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजाकुलेट, या तो सीमेन इजाकुलेट हो रहा उसमें स्पर्म काउंट बहुत कम हो, तो बहुत कम होगा तो सर्विक्स में ही कुछ स्पर्म फैगोसाइटाइज कर लिए जाते हैं, कुछ स्पर्म की मोर्टेलिटी भी कम होती है तो वो एसेंड ही नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर इंसेमिनेशन होने के बावजूद भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इस तरह का मेथड अपनाया जाता है। Could be corrected by artificial insemination technique, AIT बोलते हैं, artificial insemination technique। जैसे ज़्यादातर cattle वगैरह के लिए ब्रीड टाइप में यही यूज किया जाता है artificial insemination technique, क्योंकि जो natural insemination technique है वो इतना effective नहीं है, क्योंकि जो female cattle है उसका जो heat period है वो 24 घंटे का ही होता है, उसी दिन अगर उसको मेल पार्टनर से कॉपुलेट करा दिया गया तो प्रॉपरली इंसेमिनेशन होगा। तो इसके लिए या तो मेल बुल को खोजा जाए, ठीक है, तो प्रॉपरली सही समय से मिले या ना मिले, फिर उन दोनों एक्चुअली थोड़ा डेंजरस प्रोसीजर भी होता है, तो कई बार कई सारे लोगों को चोटें वगैरह भी आ जाती हैं कॉपुलेशन कराने के दौर पे द्वारा। इसके लिए जो है सेफेस्ट मेथड ये है कि उस जो सुपरफिशियल क्वालिटी के बुल्स होते हैं उनसे सीमेन को कलेक्ट कर लिया जाता है और लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर में प्रिजर्व रख लिया जाता है, जहाँ जरूरत होती है तो लोगों के पास जो है जैसे रूरल एरिया में ही ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो लोग कॉन्टैक्ट डिटेल रखते हैं, ऐसे कंपाउंडर्स होते हैं हॉस्पिटल में तो वो खुद ही आपके घर पे चले आते हैं और इंसेमिनेट करके चले जाते हैं। तो इन यूजुअली एक से दो इंसेमिनेशन में या तीन इंसेमिनेशन में जो फीमेल कैटल है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा आसान भी है और हेक्टिक भी नहीं है इतना और डेंजरस भी नहीं। देखिए इन दिस टेक्निक सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड आइदर इनटू द वेजाइना और इन द यूट्रस। तो अगर वेजाइना में सीमेन को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाएगा, लेकिन अगर सीमेन को सीधे यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट कर रहे हैं तो उसको इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं, IUI बोला जाता है। थ्रू ऑप्शंस आर मेनी, कह रहे हैं कि ऑप्शंस तो कई सारे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑल दीज टेक्निक्स रिक्वायर्स एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग, कह रहे हैं बहुत केयरफुली इसको हैंडल करना पड़ता है। अब आप सोच लीजिए कि ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है तो इनको कैरी करना या पहुंचाना बिना किसी डैमेज के, मान लीजिए जिस नीडल से आप प्रिकल कर रहे हैं उसको उसने सेल को ही जाके डैमेज कर नहीं, तो कह रहे हैं हाईली प्रिसाइज हैंडलिंग बाई स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंट काफी महंगे हैं, तो अगर किताब में लिखा हुआ महंगे आते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत महंगे। देयरफॉर दीज फैसिलिटीज आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन वेरी फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री, कह रहे हैं पूरे कंट्री में बहुत कम ही सेंटर है, जैसे आपके शहर में ही नहीं आसपास के दो चार जिलों में नहीं है, ठीक है, हाँ राजधानी चले जाएंगे तो भले मिल जाएगा इस तरह का सेंटर, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स मिल जाएंगे। ऑब्वियसली दियर बेनिफिट इज अफोर्डेबल टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, कह रहा है इस तरह की टेक्निक जो है वो सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत कम ही लोग अफोर्ड कर पाएंगे, जब इंस्ट्रूमेंट महंगा है और प्रोफेशनल डॉक्टर चाहिए तो पैसा भी ज़्यादा चाहिए।
इसका भी पैकेज होता है जो डॉक्टर घोषित कर देते हैं कि 2 लाख 2.5 लाख रुपए लेंगे, और तब तक सक्सेसिव रेट जब तक फाइनल नहीं हो जाता है तब तक आपका ये प्रोसीजर चलता है, चाहे एक ही बार में हो जाए चाहे 2-4 बार में हो। इमोशनल रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर आर आल्सो डिटरेंट इन द एडॉप्टेशन ऑफ दीज मेथड। तो कह रहे हैं कई सारे इमोशनल या रिलीजियस या सोशल फैक्टर होते हैं जो इसको इस तरह की टेक्निक को अपनाने से मना करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर फीमेल का एग है किसी डोनर मेल से इस पर ले लिया गया तो कहेंगे हमारा बच्चा है ही नहीं तो हम क्यों एडॉप्ट, क्यों इसको ले लें, ठीक है। या फिर वो किससे लिया गया है वो भी नहीं पता है, ठीक है। तो इस बात में काफ़ी डिस्प्यूट रहता है, तो इसके लिए सोशल है, इमोशनल है या रिलीजियस फैक्टर भी है, तो जिसकी वजह से इसको डिटरेंट कम होता है, डिटर कम होता है मना करना, ठीक है। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दीज प्रोसीजर्स इज टू हैव चिल्ड्रन, कह रहे हैं इन सारी टेक्निक का, इन सारे प्रोसीजर का अंतिम एम यही है, मुख्य उद्देश्य यही है कि उनको बच्चा चाहिए। तो कह रहे हैं अगर ये टेक्निक नहीं अपना सकते हैं तो जाएं किसी ऑर्फनेज से, वहाँ से किसी बच्चे को अडॉप्ट करें, गोद ले लें किसी अनाथालय से, तो कह रहे हैं उसको भी परिवार मिल जाएगा, उसकी केयर भी हो जाएगी, उनको बच्चा मिल जाएगा। इन इंडिया वी हैव सो मेनी ऑर्फेंस, कह रहे हैं कई सारे जो है ऑर्फेंस हैं, अनाथ बच्चे हैं, एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मैच्योरिटी, कह रहे हैं कि ऐसे कई सारे बच्चे हैं वो मैच्योरिटी तक सर्वाइव ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहाँ पर उनके लिए खाने के लिए खाना नहीं है, ना कपड़ा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में वो सर्वाइव नहीं करेंगे। अगर ऐसे बच्चे को अडॉप्ट कर लीजिए तो आपको चाइल्ड मिल जाएगा और वो बच्चा भी क्या करेगा, सर्वाइव कर जाएगा। अनलेस टेकन केयर ऑफ, कि अगर उनकी देखभाल नहीं होगी तो मर जाएंगे। आवर लॉज परमिट द लीगल अडॉप्टेशन एंड इट इज एज एट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, तो कह रहे हैं ऐसे पेरेंट्स जो परिवार खोज रहे हैं, बच्चे खोज रहे हैं, उनके लिए ये बेहतर मेथड हो सकता है जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने लीगल प्रोसीजर के द्वारा आप उसको अपना सकते हैं। जैसे इसके लिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन करना कि आगे चल करके कोई डिस्प्यूट ना हो। मान लीजिए कि आपने उनकी केयर की, आपके पास बच्चे नहीं थे, किसी अनाथालय से आप बच्चे उठा करके ले, ठीक है, तो अनाथालय जो होता है रजिस्टर्ड होता है, तो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की परमिट से आप लीगल डॉक्यूमेंटेशन बनवा करके आप वहाँ से चाइल्ड को अडॉप्ट करके लाए, ठीक है, आपने उसकी केयर की, सारा कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा हो गया, अब उसके रियल पेरेंट्स आ गए, कहे ये हमारा बच्चा है, हम पाल नहीं सकते थे इसलिए छोड़ के चले गए थे, अब हमको चाहिए, साथ में प्रॉपर्टी भी चाहिए, क्योंकि आपके जनरेशन कंटिन्यू करने के लिए कोई है नहीं, आपने बच्चा अडॉप्ट किया था। तो ऐसे कई सारे इलीगल डिस्प्यूट जो है वो आपको दिखाए जाते हैं मूवी वगैरह में, टीवी वगैरह में, तो इस तरह की कंडीशन सिचुएशन ना क्रिएट। चलिए नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट करना है, सेक्शन इंट्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा लीजिए, यूनिट खत्म।
ये जाइगोट, ये गिफ्ट ये इन विट्रो साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन दे रहे हैं ना, तो अब फीमेल फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाकर के थोड़े ना इंजेक्शन एक सेल को लगा पाएंगे, जब तक उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो स्पर्म को पहुंचाएंगे कैसे? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है ना, तो उसके एग के साइटोप्लाज्म में पहुंचाएंगे कैसे इंजेक्शन के थ्रू? तो उसको तो देखना पड़ेगा ना, तो वो तो बाहर ही होगा। ये है कि हम इसमें गैमेट को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, या फीमेल गैमेट को ट्रांसफर कर दिया गया किसी ऐसी फीमेल में जो एग नहीं प्रोड्यूस कर सकती, ठीक है। वहां से क्या किया गया, किसी डोनर फीमेल से एग को लिया गया और किसी दूसरी फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा दिया गया, उस पर उसके हस्बैंड के द्वारा जो है या डोनर के द्वारा इंसेमिनेट किया गया वजाइनल कैविटी के अंदर। अब वो स्पर्म असेंड करके जाएंगे तो नेचुरली फर्टिलाइज कर जाएगा, एक प्रोसीजर ये है। या फिर एक प्रोसीजर ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए दैट इज द हस्बैंड इज इनकैपेबल टू प्रोड्यूस द स्पर्म, तो अगर वो स्पर्म नहीं प्रोड्यूस कर सकता है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी डोनर से सीमेन को लेकर के फीमेल के वजाइनल ट्रैक्ट के अंदर डाल दें, तो वहां से स्पर्म असेंड करके फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, क्योंकि फीमेल में एग तो रिलीज हो ही रहा था। तो ये भी होगा गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड बोल लेते हैं, तो इसलिए हम गिफ्ट नहीं बोलते हैं, तो इसलिए खाली एक सेल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेसिकली हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं किसे, फ्लावरिंग प्लांट हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। किसको? एंजियोस्पर्म। आपने प्लांट किंगडम पढ़ा है, प्लांट किंगडम में आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में बताया गया, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म जो है वो हायर कैटेगरी आपके प्लांट कंसिडर किए जाते हैं कि ये मोस्ट एडवांस और वेल डेवलप्ड प्लांट्स, ठीक है। इसको दो क्लास में डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज मोनोकॉटिलिटी एंड डाइकॉटिलिटी। मोनोकॉट यानी मोनोकॉट प्लांट, और डाइकॉटिलिटी जो है उसमें डाइकॉट प्लांट आते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको बताए गए थे, लीफ मेम्ब्रेन, रूट और सीड के कॉटिलीडर्स, इन तीन के बेसिस में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पैरेलल वेरिएशन, फाइब्रस रूट और सिंगल कॉटिलीडर, ये मोनोकॉट के फीचर्स हैं। और रेटिकुलेट वेरिएशन, मेन रूट मुसला जड़ जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, मेन रूट या टाइप रूट सिस्टम, ठीक है, और डाइकॉटिलीडर, दो कॉटिलीडर पाए हैं तो वो क्या कहलाएगा, डाइकॉटिलीडर। तो बेसिकली हम एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। कुछ प्रोसीजर आपने वहाँ पे पढ़ लिया, पढ़ा ये नहीं था कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा। यहाँ पे बेसिकली हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और उसमें मेल गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, देन फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके बाद गैमेट का ट्रांसफर पढ़ेंगे, दैट इज द पॉलिनेशन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन। देन ये आ जाएंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। फर्टिलाइजेशन से पहले वाले इवेंट है गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट का ट्रांसफर। फिर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, दैट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो फर्टिलाइजेशन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, और फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो इतना पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी बात कर लेते हैं, जो जनरल अवेयरनेस होगी आपको। देखिए इसमें आपको पांच टॉपिक पढ़ने हैं। पहला फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, फैसिनेटिंग मतलब दिखावे वाला ऑर्गन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर हमको पढ़ना प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जो फर्टिलाइजेशन से पहले एग्जिस्ट करते हैं, और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, यानी गैमेटोजेनेसिस की बात करें। फिर बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की, क्योंकि हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं तो एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है।
लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे एनजीओस पर में हो, ठीक है। ओनली 40% एनजीओस पर में प्लांट सोल्ड द डबल फर्टिलाइजर, जिसमें डबल फर्टिलाइजर, ठीक। क्यों? क्योंकि कई सारे एनजीओस पर जो होते हैं उनके द्वारा सिंगल मेल गैमेट प्रोड्यूस किया जाता है, और कई सारे एनजीओस पर होते हैं उनके द्वारा दो मेल गैमेट प्रोड्यूस किया जाता है। तो जिसमें दो मेल गैमेट प्रोड्यूस किया जाएगा वही एक एक सेल से फ्यूज करेगा, एक सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई से। जब पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा तो ही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इसके बेसिस पे आपने पढ़ा होगा एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या उसी को एल्ब्यूमिनस सीड या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। तो जब एंडोस्पर्म है ही नहीं तो बना ही नहीं, ठीक है। कई में बनता है, कंज्यूम हो जाता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या करता है, कंज्यूम कर जाता है। तो ये पढ़ना है डबल फर्टिलाइजेशन। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ने हैं एंड इवेंट्स। तो फर्टिलाइजेशन के बाद आपने पढ़ा है कि ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, इतना तो आपने पढ़ा ही है वहाँ। नेक्स्ट आपको पढ़ना है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन, जो कि इसमें पॉसिबल है। हाँ, फ्रूट्स कई सारे प्लांट्स में पॉसिबल है पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। चलिए देखिए, तो कह रहा है आर वी नॉट लकी दैट द प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? लकी है भाई, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वेरिएशन नहीं आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वेरिएशन है। आगे द माइरेट्स ऑफ फ्लावर दैट वी एंजॉय द गेजिंग एट द सेंट एंड परफ्यूम। ऐसा करिए पहला वाला पैराग्राफ को, मतलब क्या नहीं बिना मतलब। फ्लावर जो है वो प्लांट अपने लिए प्रोड्यूस करता है रिप्रोडक्शन के लिए, ना कि आपके लिए, कि उसे सेंट निकालो, इतने निकालो, फ्रेग्रेंस के तौर पर यूज करो, और अलग अलग पर्पज से फ्लावर का यूज करो अलग अलग एक्टिविटी में। कह रहे हैं कि कौन सा कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम के अकॉर्डिंग फूल जो है वो आप सेलेक्ट करते हो कि कब कहाँ कौन सा वाला देना है। मरने पर मंदिर में कौन सा चढ़ाना है, मस्जिद में कौन, मजार पे कौन सा चढ़ाना है, ठीक है, या अलग अलग पर्पज होते हैं। फ्लावर द फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एनजीओस, यहाँ से शुरू करते हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा कहानी है। ह्यूमन बीइंग हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर सिंस द टाइम इमेमोरियल। कह रहे हैं हमारा फूलों से तब से रिश्ता है जब तक, जब से हमारी याददाश्त भी नहीं, उससे पहले से। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ द एस्थेटिक, ठीक है, एस्थेटिक मतलब आस्था का विषय है। हाँ, गेंदा का फूल है तो मंदिर में चढ़ेगा, लीली वाला है तो मजार में चढ़ेगा। ये पहले डिस्क्रिमिनेटेड नहीं था, ये सारा बंटवारा हमने किया, ठीक है। हाँ, तो हिंदू है तो गाय पालेंगे, मुस्लिम है तो बकरी पालेंगे, क्यों भैया? पहले हिंदू बकरी नहीं पालते थे, पालते थे मिल्क के प्रोडक्शन के लिए पालते थे, बिल्कुल पालते थे। तो ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं है नेचर में कि ये हमारा और ये आपका, लेकिन हमने अपने फायदे के अनुसार उसका कैटेगराइजेशन कर लिया। ये लाल रंग हिंदू का है, हरा वाला मुस्लिम का है, तो तरबूज का भैया हम किस स्टेज से हैं? ऊपर से हरा है, अंदर से लाल है, कर लो बंटवारा, कहां से खाली चिमटा मिलेगा। आगे देखिएगा, फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ द एस्थेटिक ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी के लिए, सोशल धार्मिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, रिलीजियस मतलब धार्मिक कार्यों के लिए, एंड कल्चरल वैल्यू। अलग अलग कल्चरल वैल्यू रख सकता है, अलग अलग पर्पज से यूज किया जाता है। हाँ, मसलते हमारे यहाँ इतना ख्याल नहीं रखते हैं, फूल वाली दुकान पर पहुँचते हैं कहें भैया गुलदस्ता ले लो, कोई सभी तैयार, डजेंट मैटर्स में कौन सा फूल लगा दिए हो और देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब फॉरेन कल्चर वाले जो है इसको ज़्यादा फॉलो करते हैं कि अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग फ्लावर होता है। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज ए सिंबल फॉर कन्वेइंग इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉरिंग एटसेट्रा। तो सब अलग अलग पर्पज से यूज होते हैं, सुख दुख दर्द जैसा ही बांट पाए बता पाए। लिस्ट एट लिस्ट फाइव फ्लावर ऑफ द ऑर्नामेंटल वैल्यू, कह रहे हैं पांच फ्लावरों की लिस्ट बनाइए जो ऑर्नामेंटल सजावटी पुष्प हो।
एंड आर कॉमनली कल्टिवेटेड है होम्स एंड इन गार्डन, जिनको आप अपने घरों में लगाते हैं, उगाते हैं। एंड फाइंड आउट द नेम ऑफ फाइव फ्लावर दैट आर यूज इन द सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जो है उपयोग में लाया जाता है। सेलिब्रेशन इन योर फैमिली, भाई फिर यहाँ पर वही मजा आ जाएगा आपका, जैसे बिलोंग करते हैं वही वाला लिखेंगे, क्योंकि कहेंगे हमारे यहाँ पे यही यूज होता है। बंटवारा कहते तो है नहीं, लेकिन कर लिए हैं। हैव यू हियर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर, कह रहे आपने फ्लोरिकल्चर के बारे में सुना है? उसकी कर मतलब खेती, जो फ्लावर के लिए जो फूल उगाए जाते हैं, पौधे उगाए जाते हैं, दैट इज द फ्लोरिकल्चर। आगे देखें, व्हाट डज इट रिफर टू, ये क्या रिफर करता है, देखिएगा। टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्कर्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कह रहे हैं बायोलॉजी वाले को लेकर तो उसमें भी साइंस ही खोज रहे हैं, बताए कि वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट है। अब कह रहे हैं फिगर नंबर इतना है जो आपको रिकॉल करेगा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं गलत मार्कर है। फ्लावर के कुछ डिफरेंट पार्ट होते हैं, अगर आप देखें तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एसेसरी पार्ट होते हैं, ठीक है। ये नीचे की तरफ एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज द स्पर्म, ठीक है। इसी के ऊपर इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, दैट इज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला करके हम कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये है एंथर और ये है फिलामेंट, इनको कलेक्टिवली हम स्टेमेन बोलते हैं, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब कई सारे कार्पेल या पिस्टिल मिल करके द ग्रुप ऑफ कार्पेल एंड पिस्टिल इज नोन एज द गाइनोसियम एंड ग्रुप ऑफ द स्टेमेन इज नोन एज द एंड्रोसियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कह रहे हैं कुछ नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जिसमें कलर्ड पार्ट जो होता है वो कोरोला, इसकी यूनिट जो होती है वो पेटल होती है, क्या होती है पेटल, और ग्रीन पार्ट होता है केलिक, और इसकी यूनिट जो होती है वो सेपल होती है। अब सेपल और पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा है, इसको हम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ लेंगे मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो अगर ये सेपल्स आपस में जुड़े हुए तो गैमोसेपल्स, गैमोसेपल्स फिर यह तो पॉलीसेपल्स अलग अलग गैमोसेपल्स, अगर सारे के सारे फ्यूज, ठीक है, अगर पॉलीपेटल्स, ठीक है। इसके अलावा ये जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमेन, हो सकता है कि कोरोला से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, कोरोला से जुड़ा हो, तो कोरोला की यूनिट पेटल, तो अगर ये इस पर जुड़ा है तो इसको, ये इसके ऊपर है तो इसको बोलेंगे ईपी पेटलस,
जब एंड्रोजिन के बारे में लिखेंगे ना तो उसमें फीचर लिखेंगे ईपी पेटलस, मतलब ये पेटल के ऊपर जुड़ा हुआ है, पोजीशन बताने के लिए यूज करना है, ठीक है। या फिर ईपी गाइनस भी होता है, ईपी गाइनस, गाइनी का मतलब होता है ओवरी, ओवरी यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर जुड़ा हुआ। एग्जांपल चाइना रोज गुड़हल, यहीं पे तो होता है ढेर सारा, तो वो उसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर ही जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे उसको? एंड्रोसियम के कैरेक्टर में लिखेंगे एपिगाइनस, क्या लिखेंगे? एपिगाइनस। अब देखिए ये स्टिग्मा, स्टिकी स्ट्रक्चर होता है, पतली सी ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको स्टाइल बोलते हैं, नीचे एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द ओवरी। ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर बनता है एग सेल, ठीक है। एक सेल जब फर्टिलाइज हो जाता है तो ओव्यूल सीड में और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी ये सारे पार्ट शट ऑफ हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते। फ्लावर के ओपन होने से पहले तक कैलिक्स और कोरोला उसके प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सिर्फ यही है, क्या? कार्पेल या पिस्टिल और स्टेमेन, इतना ही है इसका। फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसी का काम होता है, बाकी सारे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं, एक्सेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर है। इनके बारे में डिटेल में हम कल पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट। तो इसके एंथर के बारे में, ये वाला जो एंथर आपको दिख रहा है ना, ये डाई थीका एंथर है, इसमें दो थीका, ठीक है, कई सारे दोनों थीका होते हैं, एक ही थीका होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर दो लोब होते हैं, बाई लोब होता है और वो ट्रेट्रा लोब होता है, चार। कैसे होता है इसके अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, या सॉरी मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन का फॉर्मेशन कैसे होता है? पॉलन से मेल गैमेट बनता है, पॉलन मेल गैमेट होता नहीं है, पॉलन मेल गैमेटोफाइट होता है और ओव्यूल फीमेल गैमेटोफाइट होता है। इसके अंदर फीमेल गैमेट पाया जाता है और पॉलन से मेल गैमेट बनता है, इसके बारे में हम बताएंगे।